इन्हीं को करना पड़ेगा लाड, अब इन्हीं को करना पड़ेगा लाड, क्योंकि मुंबई इंडियंस को मिल गया है उनका नया पोलार्ड। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, कैमरॉन ग्रीन को खरीद लिया है मुंबई ने कल 17.5 करोड़ में, और मुंबई इंडियंस के इतिहास के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं कैमरॉन ग्रीन। और अगर हम आईपीएल में ऑल ओवर की बात करें तो आईपीएल में आईपीएल ऑक्शन 2023 में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कैमरॉन ग्रीन। आप जानते हैं उनका प्रदर्शन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं कैमरॉन ग्रीन, और जिस तरीके से अभी जो है कुछ टाइम पहले उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया था, इसी की बदौलत उनको 17.5 करोड़ में खरीदा है मुंबई इंडियंस ने। बहुत लोगों ने बोली लगाई थी, दिल्ली कैपिटल्स भी जो है कैमरॉन ग्रीन को पाना चाहती थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने आकाश अंबानी की टोली ने, उनकी टीम ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे पास ही आएगा, क्योंकि बेन स्टोक्स छूट गया था उनके हाथ से। बेन स्टोक्स तो सीएसके उड़ा के ले गई, तो कैमरॉन ग्रीन का जो एक डील थी, कैमरॉन ग्रीन की जो डील थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टील डील थी। मतलब कैमरॉन ग्रीन को हाथ से जाने देना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती मुंबई इंडियंस के। ऊपर से उनके पास जो है पोलार्ड नहीं है, अभी पोलार्ड ने जो है संन्यास ले लिया है, उसके बाद उनके पास हार्दिक पांड्या भी नहीं है। हार्दिक पांड्या भी पिछले साल आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है गुजरात टाइटन्स में चले गए थे, रिलीज कर दिया था उनको। तो कैमरॉन ग्रीन जैसे ऑलराउंडर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुंबई इंडियंस को। फिलहाल आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भैया हेड कोच ने बता दिया है, हेड कोच आप जानते हैं मार्क बाउचर, पहली बार वो आईपीएल की कोचिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से। उन्होंने ये बता दिया है कि कैमरॉन ग्रीन का आखिरकार रोल क्या रहेगा और कितना खुश है वो कोचिंग करने के लिए। तो क्या कुछ मार्क बाउचर ने कहा है देखिए। मार्क बाउचर दिखे बेहद खुश। देखिए, मार्क बाउचर ने कहा कि आईपीएल में कोचिंग करना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑक्शन से पहले हम काफ़ी हार्ड वर्क करके आए थे और यहाँ का माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है, मैं इसका लुत्फ उठा रहा हूँ। ऑक्शन से पहले 3 ऑलराउंडर थे, आप जानते हैं 3 ऑलराउंडर कौन कौन थे, एक तो थे सैम करन, दूसरे थे बेन स्टोक्स और तीसरे कैमरॉन ग्रीन। तो 3 ऑलराउंडर थे जिनकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी, उनमें से एक को हासिल करना काफ़ी शानदार है। कैमरॉन ग्रीन टीम में एक बैटिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं, वो अभी काफ़ी युवा प्लेयर है और फ्यूचर के खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। भारतीय कंडीशन में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उन्हें हासिल करना काफ़ी बेहतरीन है। 5 बार की शेयर पिछले सीजन ढेर। देखिए, आप जानते हैं मुंबई इंडियंस के जो अभी तारे हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, गर्दिश में चल रहे थे उनके तारे, पिछले सीज़न जिस तरीके से बिल्कुल बॉटम पर फिनिश करा, मतलब प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाई थी मुंबई इंडियंस, जो 5 बारी का खिताब उठा चुकी है, तो अब उम्मीद यही रहेगी कि भैया पोलार्ड की जगह, हार्दिक पांड्या की जगह भर पाएंगे कैमरॉन ग्रीन, जो उनको 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने अपना बनाया है। क्या वो उनको उस तरीके का काम दे पाएंगे कैमरॉन ग्रीन, उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुंबई इंडियंस की नैया पार ले जा पाएंगे क्या, मुंबई इंडियंस को 6ठी बार खिताब दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, देखने वाली बात यही रहेगी। फिलहाल आप कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि कैमरॉन ग्रीन पर ये बोली आपको कैसे लगी, 17.5 करोड़ वर्थ इट लगा आपके हिसाब से या नहीं लगा, साथ ही साथ आप उनको किस भूमिका में देखना ज्यादा पसंद करेंगे, यानी बॉलिंग करते हुए उनको ज्यादा पसंद करेंगे या फिर बैटिंग करते हुए ज्यादा पसंद करेंगे। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।